किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं आईपीएल बायोलॉजिकल लिमिटेड का इस क्षेत्र कानपुर देहात और कानपुर नगर का क्षेत्राधिकारी हूं। आज मैं आपको जिन प्रगतिशील किसान से मिलवाने वाला हूं, उनका नाम श्री मज्जुल शुक्ला है और ये अभी हम राजधान में हैं और ये आपको खेती के नई तकनीक और साथ ही साथ खेती में किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, उसके साथ साथ क्या क्या मैनेजमेंट और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार सर। तो दरअसल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने ये फसल जो कि आपकी बहुत ही अच्छी दिख रही है, इसमें आपने अभी तक क्या क्या प्रयोग किए हैं और किसानों को आप क्या क्या सलाह देंगे जिससे उनकी फसल अच्छी हो सके। जी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे पास आपका रेगुलर विजिट रहता है। और मैं जो खास बात बताना चाहता हूँ, आज की समस्या ये है कि रासायनिक खेती एक एकेडमिक विषय नहीं रह गया है, ये अब प्रैक्टिकल का विषय रह गया है। खेती का विज्ञान पुस्तक और लैब से निकल के किसान के मेड़ पर आना चाहिए, जो कि आप कर रहे हैं। आप जैसे युवा जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो इस ओर देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। किसान की तब तक प्रगति नहीं हो सकती है जब तक कि यह खेत में उतर के नहीं आएगा। तो मैं 2019 से केला खेती कर रहा था और शिमला भी मैं 2021 से कर रहा हूँ। शिमला मिर्च बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है और इसके लिए जो पेस्ट मैनेजमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे बीच में मैं थोड़ा सा इंटरफियर करता जाऊंगा, ये राहुल जी ने देखा ये स्टिकी ट्रैप भी लगे हुए हैं जी, जी। ये बहुत ही प्रभावी है। आपकी फसल के जो रस चूसक और अन्य तरह के कीट हैं, वाइट फ्लाई है, फिट्स जैसिड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इसकी मुलायम पत्ती का रस चूसते हैं और फिर वो एक दूसरे के वेक्टर भी होते हैं, दूसरी जगह से लेके बीमारियां आ जाती हैं, बैठ जाते हैं कहीं कुछ अन्य अन्य कीटा, तो इनके बचाव के लिए मैं कह सकता हूं कि 40% बचत हम कर सकते हैं स्टिकी ट्रैप से। जी बिल्कुल। इसके अलावा दूसरी चीज और जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। जी बिल्कुल। ICPM इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट IPC, तो उसके तहत हमने ये ग्रीन नेट भी लगाया हुआ है जो बाहर से कीड़ों को खेत में आने के लिए रोकता है और इन कीड़ों की जो नुकसानदायक हैं कीट फसल के लिए उनकी ऊंचाई 5 फुटी उड़ती है, बाकी पॉलिनेशन के लिए हनी भी या इस तरीके के वो उनको ही आने देता है। दूसरी चीज जो है कि हमें खेत से चलना चाहिए। किसान का फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि मैं एक वर्ष उत्पादन ले लूं रासायनिक खेती करके। हमारा पौधा, हम साप्ताहिक सब्जियों में ऐसा देखा गया है कि साप्ताहिक बैंगन है, आपका मिर्चा है, इसमें साप्ताहिक रेगुलर स्प्रे हो रहे हैं। अब बताइए कितना जहर हम रोजाना अपनी थाली में लेके और अपने शरीरों में दे रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन दे रहे हैं। तो एक जागरूक किसान और जागरूक नागरिक होने के नाते हम जो खेती से जुड़े हैं उन लोगों को ये आग्रह पूर्वक कृषि विज्ञानियों से और अपने यहाँ आने वाले जो भी दवा कंपनियों के या प्रोडक्ट्स के जो वैज्ञानिक गण हैं उनसे कहना चाहिए कि हमें इससे दूर ले जाने की चेष्टा करिए। और इस काम में मैंने जो पाया, इनके IPL के आने के पहले भी मैं बायो प्रोडक्ट्स यूज करता था तो गुजरात से लाना होता था, मंगाते थे। खास तौर से हम दो का जिक्र करना चाहेंगे, अब तो बहुत आगे बढ़ गए हैं वर्टिसिलियम वगैरह पे, हमारा ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास। तो मैं मूल बिंदु पे आता हूँ, जो मिर्च है इसमें सबसे बड़ा रोग सीडलिंग से ही आता है, डैम्पिंग ऑफ। जी बिल्कुल। जरा सा आपने पौधा डाला और उसमें वो तना गलन और जड़ गलन शुरू हो गया, विज्ञान की भाषा हम कहें तो फाइटोप्थोरा और वो राइजोक्टोनिया फ्यूजेरियम वगैरह वगैरह, उसमें हमें नहीं जाना है, हमें उसकी कहीं किसान को उस ओर नहीं जाना है। ये समझना चाहिए कि फफूंद लगती है, अगर हम एक मित्र फफूंद खेतों में छोड़ें। आप देखिए इन इन सागौन के पौधों को, इन नीम के पौधों को किसी ने कहां फंगीसाइड और DAP दिया हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने विशाल बरगद खड़े हुए हैं राहुल। जी बिल्कुल। तो हमारी मिट्टी में प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है जीवन धारण के लिए, हमने उसको डिस्टर्ब किया है, उसके लिए दोषी हम जी मनुष्य। तो मैंने सबसे पहले इसमें जो
इन्होंने सजेस्ट किया माइकोराइजा वेम वेम एचडी इनका। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये आए हुए, वाकई मैंने कंपेयर किया, मैंने आपसे कहा कि मैं पहले से भी इनका उपयोग करता हूं, लेकिन वेम एचडी का खेतों में बहुत एक्सीलेंट प्रयोग है। मैं आलू में भी करता हूं, शिमला मिर्च में भी किया है। फायदे दो होते हैं, एक आप बिना माइकोराइजा के प्लॉट लगाएं, एक प्लॉट लगाएं कुछ हिस्सा माइकोराइजा, तो जो ग्रोथ है पौधे का वो बहुत तेजी से होता है। उसका कारण है कि जड़ का विस्तार तेजी से होता है, जो एसेंशियल उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसका अपटेक बढ़ता है, आयनिक फॉर्म में सोलुबिलिटी ये बढ़ाते हैं, घुलनशीलता। वरना तो ऐसे समझिए कि डीएपी एक बोरी रखी हुई है और मुंह पे टेप लगा हुआ है। जी बिल्कुल, ये स्थिति खेतों की कर रखी है। तो खेत का मुंह खोलना है फसल का, पौधे का। जी बिल्कुल, तो हमें इसमें बहुत अच्छा हुआ, इस वर्ष मैंने ये सारे प्रयोग किए। और आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें देखिए, मैं समझता हूँ 2% ही स्टेम रॉट से मेरा पौधा मरा है। जी बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं। नहीं सही है, जबकि विगत वर्षों में हमारा 10-15% पौधा मरता था, और इसका मुख्य कारण सिर्फ ट्राइकोडर्मा, दोनों स्पीसीज इन्होंने मुझे दी, हार्जेनियम तो कम मिलता था वेडी ही, और आपका सीडोमोनास। तो कंबाइंड रूप से इनका मैंने रेंचिंग किया, इनको मैंने कंपोस्ट में मिला के मल्टीप्लाई करके खेत में डाला एट द टाइम ऑफ बेड प्रिपरेशन और प्लांटेशन, और उसका नतीजा ये है कि फ्रूट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत सुंदर कड़ा सा फल है जिसकी की स्टोरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो व्यापारी आपसे अच्छे पैसों में।